वो आइसक्रीम वाला अभी अभी अपने गांव फरुखाबाद पहुंचा है, वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, गुरुग्राम लेकर आ रहे हैं उसे अभी। गुड। और संजय, इस फैमिली के एक एक इंसान की मुझे डिटेल चाहिए, इनकी मेड और नेवर दिव्यांका की। ओके सर। साहब क्या मैं अपने गाँव नहीं जा सकता? नौटंकी, एक रात पहले ही तो सुभाष के घर के बाहर दिखा है, एक एक करके तीनों बच्चों को मार डाला तूने। 8 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा? क्या बात कर रहे हैं आप सर? ये क्या बोल रहे हैं? ये तू ही है ना? हाँ सर, मैं हूँ। मैं तो बच्चे के पीछे कर रहा था जो बच्चे मेरी आइसक्रीम खराब कर दिए थे। साहब उस लड़के को देखा तो मैं उसके पीछे उसे ढूंढने चला गया। वहां देखा मैंने एक और बच्चा था, लेकिन सब दोनों लड़ रहे थे। फिर बड़े वाले बच्चे ने उसे छोटे वाले बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। ये रुक। बड़ा वाला बच्चा मुझे फिर से चकमा देकर भाग गया। और फिर छोटे वाले को तूने मार दिया? नहीं साहब, उसका पता नहीं। ऐसे निकलेगा ना? ये सब मेरी वजह से हो रहा है स्मिता। अगर मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को थोड़ी अटेंशन दी होती तो मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा। मैंने अपना परिवार खो दिया। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो स्मिता। सर, ये आइसक्रीम वाला महेश तो वहीं का वहीं है और कह रहा है कि उस रात चिंटू घर के अंदर चला गया था, जबकि चिंटू की लाश मिली हमें अगली सुबह घर के बाहर। क्या चिंटू को भी सुरभि की तरह घर के अंदर मारा गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल घर वालों में और हम बाहर वालों में ढूंढ रहे हैं? क्योंकि रमेश का भी यही कहना है। सर, हमने रमेश का बयान कंफर्म किया, उसके बेटे पीयूष की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई है। लेकिन सर, उसके जयपुर के जानने वालों का कहना है कि वो दिमाग हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही मार रहा है सबको? अच्छा, घर की जो मेड है गौरी, उसके खिलाफ मिला कुछ? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर, दिव्यंका के बारे में एक अजीब सी बात पता चली है। पहले उसके पास एक वाइट कलर के सेडान कार हुआ करती थी, जिसे उसने रिया के गायब होती अचानक से भेज दी। कि दिव्यंका और सुभाष पर हमें पहले से ही शक है, और फोरेंसिक वालों का भी यही कहना है कि जहाँ पर रिया की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर किसी सेडान कार के टायर के मार्क्स थे। राइट सर। सर, दिव्यंका ने अपनी कार एक गैरेज में बेची थी, वो कार अभी भी वहीं पर खड़ी है। तुम दोनों के अफेयर के बारे में हमें बहुत पहले पता चल चुका था, अब एविडेंस भी मिल चुका है। तुम दोनों ने मिलकर क्या है ना सब कुछ? ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसा एविडेंस? दिव्यंका की कार की सीट पर हमें उसी रस्सी के रेशे मिले हैं जिस रस्सी से बच्चों को मारा गया। सर, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? बहुत हो गया तेरा नाटक। वो कार इसीलिए बेची ना दिव्यंका क्योंकि उसी में रिया का मर्डर किया गया था और उसी से उसकी बॉडी को डंप किया गया। दिव्यंका, ये सब क्या है? बहुत घुमा लिया तुमने। निधि, लेके चलो। चलो। दिव्यंका ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ, पर कोई भी रिश्ता एक माँ के रिश्ते से बड़ा कैसे हो गया? क्यों क्या ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ऐसी जिंदगी सर। तंग आ गई थी बच्चों के चूचू पैपे से। ये तो कभी भी नहीं चाहती थी क्योंकि मर्द मुझे छुए। बस संगीता के साथ रहना चाहती थी। तो दिव्यांगा से पहले भी कोई लड़की थी तुम्हारी लाइफ में? जी, लेकिन हमारी सोसाइटी को कहाँ पसंद आते हैं ऐसे रिश्ते। और मेरे बाप ने भी मेरी एक डे सुनी। 18 की उम्र में
सुभाष के पल्ले बांध दिया और उसके बड़े भाई के दो दो बच्चों की केयरटेकर बन के रही। फिर सुभाष ने एक एक करके मुझे चार चार बच्चों की माँ बना दिया। मैं बस दिव्यांका के साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। एक बार एक्सीडेंटली मेरी बॉडी अस्मिता से टच हो गई और फिर मुझे पता चला कि वो मेरे जैसी ही है। अगर तुम्हारा रिश्ता अस्मिता से था तो तुमने उसके पति के साथ अफेयर क्यों किया? ताकि हमारे रिश्ते के बारे में सुभाष को शक ना हो। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अस्मिता मेरे प्यार में इतनी पागल हो जाएगी। मेरा इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं है सर, मैं सच कह रही हूँ। अस्मिता, ये क्या किया तूने? तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को भी मार सकती। अपने ही बेटे के कत्ल में अपने ही बेटे सनी को फंसा रही थी। हाँ सर। आई एम सॉरी हम इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन हमने पता किया मारिया की ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिसकी खुशी नाम की बेटी है और जिसकी हाल फिलहाल एक्सीडेंट में डेथ हुई हो। तो फिर खुशी कौन थी? यही तो हम आपसे पता करने आए हैं। आई डोंट नो सर। एक हफ्ते पहले जब मैं घर पहुंचा तब खुशी ऑलरेडी मेरे घर में थी। उस दिन संडे था तो मैंने मारिया को पूछा कि वो चर्च क्यों नहीं गई। वो बोली कि उसने सुबह ही जाके एम्बुलेंस से खुशी को लेकर आई है। सर, खुशी का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर, कहीं खुशी रहे तो? अरे वो 7 साल की बच्ची है। आप कौन? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मर्डर वाली सुबह मारिया ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? सर, उसने मुझे कहा कि वो मुझसे अर्जेंट बात करना चाहती है, लेकिन जब मैं रात को 8:30 बजे घर पहुंचा तब 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 मारिया सर मेरी मारिया तब संभाली खुद को। फिलहाल हम चलते हैं। एक काम करो, 5 बजे चर्च उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये बच्ची अंबोरी से तो नहीं आई थी, मारिया डेफिनेटली करण को झूठ बोला था। जय हिंद सर। सर, गोवा पुलिस से बात हुई, उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले वो बच्ची खुशी चर्च के पास मरिया को मिली थी और उसका इन्वॉल्वमेंट कविता के मर्डर केस के साथ भी है। ये देखिए सर। आंटी आंटी रुकिए, आंटी आपके पास कुछ खाने को है क्या? बेटा, पेरेंट्स कहाँ है आपके? घर पे। बेटा, आपका घर कहाँ पर है पता है? मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अब मैं नहीं जाऊँगी, मैं अकेले रहूँगी। प्लीज आंटी, किसी को मुझे मत बताना। अच्छा चलिए। ये? हाँ सर, ये उठा लो इसको। गायब है सर, सबसे पहले मैं इसी के पास गया था। बैकग्राउंड पता करो उसका। टेक्स्ट सिमिलैरिटी के बाद सर हमने केरला, महाराष्ट्र, गोवा में सिमिलर केसेस सर्च किए। 40 से भी ज्यादा केस मिले सर। सर, सभी केसेस में विक्टिम्स औरतें हैं। घर पर अकेली थी तब उन पर अटैक हुआ और सर गैंग में भी फीमेल मेंबर की होने की संभावना सामने आई है। सर, कई केसेस में सीसीटीवी में ये गैंग दिखाई भी दी है। ये कुछ सीसीटीवी ग्रैब्स है सर।
ये तो प्रभास सब्जी वाली। काकी आपकी बेटी स्कूल जाती है? स्कूल तो जाता पर कुछ अच्छा कर नहीं पाता। हमारे पास ट्यूशन भेजने का पैसा नहीं है, तो आप इसे मेरे पास भेज देना, मैं अभी यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ। पैसे? आप पैसे की टेंशन मत लो, मेरे यहाँ भेज देना 3 से 4, मैं पढ़ा दूंगी इसे। आ जाना है ना। सर अगर ये मुकेश भी इन्वॉल्व है तो प्रभा ने उसका नाम क्यों लिया? ताकि हमें मुकेश पे शक ना हो। मुकेश उस दिन नीरज के घर गया था, उसने वेणु गोपालन को देखा था, हमने मुकेश को उठाया, इसलिए वो हमारे शक के दायरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी एलिबाई स्ट्रॉन्ग थी। और कुछ पता किया? सर ये लोग कासरगोड से 250 से 300 किलोमीटर तक घूम घूम कर अपने विक्टिम्स को चुनते हैं, काम तमाम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विक्टिम की अच्छे से रेकी करते हैं और बच्चों को यूज करके विक्टिम्स के घर के अंदर घुसते हैं। बच्चों पर किसी को शक भी नहीं होता तो ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे देते हैं। सपना तुमने कहा ये लोग कासरगोड़ के आसपास के 250 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा एरिया पैदल तो कवर करते नहीं होंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी बस या ट्रेन से कवर करते होंगे। एक काम करो, जिन जिन डेट्स पे ये क्राइम्स हुए हैं उनके आसपास की डेट्स पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टोल नाकाज, इन सब पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सब चेक करो, कहीं तो कुछ निकलेगा। और एक बार हमारे हाथ इनके खिलाफ कुछ आ गया फिर हम इन पे बैकफायर करेंगे। राइट सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।